हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को सोनी का X90L टीवी का रिव्यू देने जा रहा हूँ। ये 55 इंच का टीवी है जिसमें कंटेंट फॉरवर्डिंग एक्सपीरियंस मिलता है आपको। और अगर इसकी ऐप की बात करेंगे तो ऐप में आप लोगों को डेमो ऐप मिलता है, तो यहाँ टीवी मिलता है, नेटफ्लिक्स मिलता है, प्राइम वीडियो आता है, यूट्यूब मिलता है, डिज्नी हॉटस्टार और सोनी लाइव मिलता है, एमएक्स प्लेयर, गूगल टीवी और आपको यूट्यूब म्यूज़िक का आता है ऑप्शन और माई ब्राविया का आता है ऑप्शन और आपको टीवी लैपटॉप स्क्रीनिंग का ऑप्शन आता है और क्लॉक है, मीडिया प्लेयर, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, म्यूजिक का ऑप्शन आता है, हेल्प का ऑप्शन आता है और आपको जी सोनी लाइव एंड सन टीवी जैसे ऐप्स आपको मिलते हैं। अगर कैटेगरी की बात करें तो वीडियो प्लेयर टूल का ऑप्शन आता है, लाइफ स्टाइल्स, स्पोर्ट्स, न्यूज़, प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी चैनल्स हैं वो सारे आपको यहाँ सपोर्टेड मिलते हैं। और इसमें वॉचलिस्ट ऑप्शन आता है, तो ये आपकी लाइब्रेरी में सारी वॉचलिस्ट आप बना सकते हैं, जो जो चीज़ें आप लोगों को पसंद हो उसकी आप लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, उसमें अपने मन पसंद चीज़ें देख सकते हैं। और अगर इसकी बात करें, सेटिंग की बात करते हैं, तो सेटिंग्स इसमें काफ़ी अच्छी सेटिंग्स मिल जाती हैं। जैसे इसकी सेटिंग के अंदर हम जाएं तो यहाँ पर आपको पिक्चर क्वालिटी के ऑप्शंस मिलते हैं। डिस्प्ले एंड साउंड में जाएंगे तो पिक्चर क्वालिटी को आप सेट कर सकते हैं, स्क्रीन को सेट कर सकते हैं, साउंड का ऑप्शन भी है, साउंड को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से ये। और अगर इसकी बात करें इनपुट की बात करें तो इसमें आपको HDMI सपोर्टेड मिलता है, इंटरनेट आपको 5G नेट सपोर्टेड मिलता है, प्राइवेसी आप लॉक लगा सकते हैं, सिस्टम में आप तो चेंजेस कर सकते हैं, अबाउट में जाके टीवी के बारे में जान सकते हैं, डेट टाइम लगा सकते हैं, कीबोर्ड अपने हिसाब से बदल सकते हैं, स्टोरेज इसमें 20 GB का स्टोरेज मिलता है, मिरर कास्ट कर सकते हैं और एनर्जी सेविंग का मोड आता है, एप्पल एयरप्ले ऐप आता है जिससे एप्पल की डिवाइसेस को भी आप जो है इसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।